Hello and very good morning to all. This is me Rahul Bharadwaj and I welcome you all to Let's Crack UPSC CSC. This is our daily current affairs session uh, and we are covering the important newspapers including editorials. Let us see what are the important takeaways in today's news analysis. Ek uh, baat confirm kar that I am audible and everything is fine. Am I audible guys? Very good morning to all. Very good morning.

कि आपका पूरा सिलेबस वहाँ पे कंप्लीट होगा ना पूरा शेड्यूल आपके पास होगा इसके अलावा आपको कोई क्रैश कोर्स इंडिविजुअल एजुकेटर के कोई कोर्स करने हैं मान लीजिए इकोनॉमी पे किसी का करना है करंट अफेयर पे तो वो सारे आपको अवेलेबल हो जाते हैं एवरीथिंग विल बी अवेलेबल ओनली विद दिस वन सब्सक्रिप्शन इसके अलावा ये आपकी बुक्स आपको अवेलेबल हो रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लम्स तक वैलिड रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है सब्सक्रिप्शन का आप अपना प्लान चूज कीजिए फुड द कोड आर बी लाइव टू गेट टेन परसेंट ऑफ एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस ओके इफ़ यू फील एनी काइंड इश्यू होके रिगार्डिंग द प्रप्रेशन यू कैन डेफिनेटली गेट दैट असिस्टेंस दैन यू हैव आईकॉनिक विध एडिड बेनिफिट्स ये भी आपका आईकॉनिक का बैच है इस पर भी आप जा सकते हैं आई होप दीट्स आर अवेलेबल एंड यू हैव दैट ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन ओके केवल ऑप्शनल लेना हो तो यहाँ पर चले जाइए या फिर आपका कॉम्बॉय कहने का मतलब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना प्लान और पीरियड जो है प्लान का वो चूज़ कर सकते हैं कोई भी आपकी क्वेरी है यहाँ पे आप रीच आउट कर सकते हैं ये जो सेशन है इसकी पीडीएफ भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगी ये लोन फैसिलिटी का लिंक है आपका जीएस पेपर टू से स्टार्ट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग द ट्रिब्यूनल्स और एनवायरमेंट साइंस एंड टेक पे भी है इसके बाद में हम लेंगे लास्ट में आपने देखा होगा आसाम में एट्टीन जो एलिफेंट्स हैं उनकी डेथ हो गई है अट्ठारह एलिफेंट एक साथ मर गए आसाम के हिल टॉप पे और कहा जा रहा है कि लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ है ना बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई तो क्या एक साथ इतना मतलब हो सकता है क्या ये रीज़न सही है कैसे आपका लाइटनिंग स्ट्राइक होता है क्या रीज़न है ओके okay, ये तो एनिमल्स uh, पे हुआ है ह्यूमन बींग्स को हम कैसे बचा सकते हैं तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट कम साइंस एंड टेंक कम एनवायरमेंट है ना उससे रिलेटेड ये टॉपिक है उसको हम लास्ट में लेंगे पहले जी पेपर टू से हम स्टार्ट कर रहे हैं चलिए देखिए आपका एक है दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग द ट्रिब्यूनल सिस्टम ट्रिब्यूनल सिस्टम को रीस्ट्रक्चर करने की बात की जा रही है और ये जो आपका एडिटोरियल uh, यहाँ पे लिखा गया है दैट इज़ ये आपका रेलिवेंट रहेगा जी एस पेपर टू जिसके अंदर ट्रिब्यूनल्स हैं जैसे आपका ट्रिब्यूनल बना हुआ है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ओके okay, कैट है एक्सेट्रा तो ट्रिब्यूनल क्या करते हैं स्पीडी जस्टिस दे रहे हैं ओके okay? फॉर uh, एग्जाम्पल कोई भी सिविल सर्वेंट है अगर सेंट्रल कोई सिविल सर्वेंट है तो उसको कोई भी dispute है रिगार्डिंग एनीथिंग तो उसको स्पीडी जस्टिस डिलीवरी हो जाए uh, या आप कह सकते हो कि उसका जो है है ना उसका जो जो भी उसकी problem है उसको फटाफट से आप address कर सके। उस context में आपके सिस्टम को बनाया गया मान लीजिए कोई टैक्स रिलेटेड इशू है है ना कोई लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड इशू है तो आप क्या करते हो ट्रिब्यूनल बना देते हो और वहां पे उनसे रिलेटेड इशू को सॉल्व करते हो तो अभी क्या किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ये अपना ऑर्डिनेंस पास किया है इसको लेके अभी बातचीत हो रही है क्या नाम है इसका ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस ये ऑर्डिनेंस पास किया ऑर्डिनेंस पास करने का मतलब है जनरली कोई आपका कानून होता है या कोई भी अमेंडमेंट होता है चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अलावा है ना अगर संसद जनरली तो संसद कानून बनाती है ओके पार्लियामेंट मेक्स द लेजिस्लेशन एंड आफ्टर द रूल्स वगैरह जो उसके फ्रेम होते हैं वो इम्प्लीमेंट होता है लेकिन कई बार क्या होता है जब पार्लियामेंट तो सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस पास किया जाता है है ना ऑर्डिनेंस के ऊपर वैसे ये भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि आपने सब वर्जन कर लिया है जो प्रॉपर रूल था पार्लियामेंट से संसद में डिबेट होती फिर कानून पास होता तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो जनरली क्रिटिसाइज़ किया जाता है ऑर्डिनेंस को स्पेशली ऐसे मैटर पे जो कि थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं जैसे आपने देखा होगा फार्म लॉज हैं है ना फार्म लॉज पे ऑर्डिनेंसेज आए थे और ये पूरा इशू था अब ये क्या है ट्रिब्यूनल uh, रिफॉर्म और ऑर्डिनेंस uh, एक्ट ये मतलब ये लेके आए हैं और यहाँ पे इन्होंने क्या किया काफ़ी सारे जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जैसे आपका फिल्म सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग है एक ओके okay. यू हैव दैट फिल्म सर्टिफिकेशन अपिलिटी ट्रिब्यूनल तो इनको काफ़ी सारे ट्रिब्यूनल इन्होंने एबोलिश कर दिए इसके लाने से फाइन अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप एक तो आप ऑर्डिनेंस लेके आए हो है ना ये ऐसा टॉपिक है जिसपे डिबेट होनी चाहिए बिकॉज दिस इज द स्प्रिट ऑफ डेमोक्रेसी ना आप डिबेट करोगे डिस्कस करोगे फिर डिसाइड करोगे डिबेट डिस्कस डिसाइड दिस इज द स्प्रिट ऑफ डेमोक्रेसी जो पार्लियामेंट में होता है लेकिन आपने एक तो ऑर्डिनेंस लाए ऑर्डिनेंस तो लाए तो लाए लेकिन फिर आपने बहुत सारे जो है अपीलिटी ट्रिब्यूनल्स को एबोलिश कर दिया और बहुत सारी जगह पे आपने ट्रांसफर कर दिया उनका जूरिसडिक्शन दूसरी जुडिशियल बॉडी को तो इस तरह से ये जो आप कर रहे हो दैट इज नॉट राइट स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन इन दिस रोजर मैथ्यू साउथ इंडियन बैंक का केस इस केस का नाम uh, याद रखने की जरूरत नहीं है एक और केस है जिसका नाम आपको याद रखने की जरूरत है तो अभी यहां पे ध्यान रखिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है अगर याद रहता है दैट इज फाइन लिखना तो है, है ना तो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है वो ये था कि आप किसी भी ट्रिब्यूनल को एबोलिश नहीं करेंगे अगर आपको किसी ट्रिब्यूनल को एबोलिश करना है तो आपको जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट करना होगा मतलब एक एक्सरसाइज एक करनी होगी कि इसको एबोलिश करने से क्या इम्पैक्ट होगा एटसेट्रा एटसेट्रा तो ये इन्होंने एक तो एक्सरसाइज इस तरह से नहीं किया सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था उसको फॉलो नहीं किया और आपने ये ट्रिब्यूनल्स को एबोलिश करना स्टार्ट कर दिया दिस इज द फर्स्ट थिंग सेकेंड ये बात कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेन आइडिया है सेंट्रल आइडिया है इस पूरे एडिटोरियल का दिस इज रिगार्डिंग कि जो आपका नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन है ये बनाने की बात हो रही थी नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाने की बात थी और यह आपका चल रहा है 1997 में जब ये ऑनरेबल कोर्ट ने जजमेंट दिया था एल चंद्रा कुमार एंड यूनियन ऑफ इंडिया इस केस का नाम ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रिब्यूनल का एक छोटा सा चैप्टर है आपके लक्ष्मीकांत में भी है ट्रिब्यूनल का छोटा सा चैप्टर है आपको ध्यान होगा ट्रिब्यूनल्स को ऐड किया गया फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट संविधान में 42nd अमेंडमेंट एक्ट किया गया और वहाँ से आपके दो आर्टिकल ऐड किए उन्होंने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल ए ये ऐड किया गया एक आपका आर्टिकल ऐड किया गया 323B 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आपने दो आर्टिकल यहाँ पे ऐड किए एक है 323A और दूसरा है 323B क्लियर चलिए एंड इसमें क्या हुआ देखिए जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई एम्प्लॉई आ रहे हैं ना चाहे वो ऑल इंडिया सर्विस से हैं या जो भी सेंट्रल सर्विसेज़ से हैं पब्लिक सर्विसेज से वो क्या कवर होंगे वो इसमें होंगे तो आर्टिकल 323 ए जो है ये पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज़ को आ, इस तरह से वो कर रहा है है ना उनका कोई भी डिस्प्यूट है सर्विस कंडीशन रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो वहाँ पर वो सॉल्यूशन दे रहा है तो आर्टिकल 323 ए के अंदर में ट्रिब्यूनल कौन बना सकता है केवल और केवल आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, है ना पार्लियामेंट यहाँ पे एक्ट कर सकता है स्टेट्स को पावर नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंटर सेंटर और जनरली ये सर्विस कंडीशन से रिगार्डिंग होगी जो आपके पब्लिक सर्वेंट्स हैं ओके और यहाँ पे स्टेट नहीं बना सकते हैं ना जबकि थ्री ट्वेंटी थ्री बी जो है यहाँ पे आपका दोनों को पावर दी गई सेंटर को भी दिया गया और स्टेट को भी दिया गया कि वो कोई भी ऐसे मैटर होते हैं है ना जिस पर ट्रिब्यूनल बना के उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई लेबर रिलेटेड इशू है उस पर कुछ आपको डिस्कस करना है इंडस्ट्री रिलेटेड टैक्स रिलेटेड इशू है है ना टैक्सेशन हो गया लेबर हो गया इंडस्ट्री हो गई लैंड रिफॉर्म्स एट्सेट्रा कोई भी इस तरह के मैटर हैं उनको यहाँ पे 323 बी आर्टिकल के अंदर ऐड किया गया कि इस पर आप ट्रिब्यूनल बना सकते हो स्पीडी जस्टिस डिलीवर किया जा सकता है क्लियर और अगर यहां पे देखिए 323 ए में क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है और ये पब्लिक जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए है तो अगर कोई स्टेट डिमांड करता है कि हमें भी स्टेट के लिए भी चाहिए ट्रिब्यूनल तो वो क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कहेगा फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर बना के देगी तो ये आपका इसी के अंडर में आर्टिकल थ्री ए के अंडर में पार्लियामेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट पास किया एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 एटी फाइव वॉज द ईयर यहाँ पे ये पास किया गया ठीक है और यहाँ पे ये इनको एम्पावर कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपके पास अगर कोई स्टेट अप्रोच करता है कि हमें यहाँ पे ट्रिब्यूनल बना के दीजिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर है वो बना सकती है लेकिन 323 के अंदर जो अदर मैटर्स हैं वहाँ पे सेंट्रल मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने आप भी बना सकती है तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया बैकग्राउंड वैसे आप स्टेटिक पोर्शन में पढ़ा होगा आपने या नहीं पढ़ा तो यहाँ से समझ लीजिए पढ़ लीजिएगा उसको ये इंपॉर्टेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है नाइनटीन का फाइन और इसी के साथ फिर ये जो 97 वाला जजमेंट आता है चंद्रा कुमार वाला ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है इसका नाम भी ध्यान रखना है तो इस जजमेंट ने काफ़ी सारी कंडीशन और ये प्लेस की उसमें से ये था एक कंडीशन इस जजमेंट में ये भी प्लेस की गई कि जो एन है है ना एन मतलब नेशनल ट्रिब्यूनल जो कमीशन है इसको बनाया जाए तो कब से पड़ा है लगभग 20 साल से भी ज़्यादा हो जाएंगे नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन क्यों बनाना चाहिए उस पर आते हैं क्या इससे कैसे इम्प्रूव होगा ट्रिब्यूनल सिस्टम कैसे आपका रिफॉर्म हो सकता है कैसे रिस्ट्रक्चर हो सकता है इस टॉपिक को हम डिटेल में क्यों कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है इस इस पे आपका जीएस पेपर टू में डायरेक्ट क्वेश्चन पुट हो सकता है ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे आते हैं देखिए नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाना चाहिए क्यों बनाना चाहिए इट विल एक्ट एन इंडिपेंडेंट एम्परेला बॉडी टू सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ ट्रिब्यूनल्स जितने भी ट्रिब्यूनल है उसकी वो सुपरविजन करेगा उनका अपॉइंटमेंट देख सकता है ठीक है ना अपॉइंटमेंट देख सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स को फोकस कर सकता है तो कहने का मतलब है जो ट्रिब्यूनल सिस्टम है उसको थोड़ा सा एफिशिएंट बना सकता है रिफॉर्म कर सकता है वहां पे क्लियर फॉर एग्जांपल एन क्या क्या फंक्शन कर सकता है ना इसके जो फंक्शन है अगर एन को बनाया जाए तो ये सब फंक्शन वहां पर एड किए जा सकते हैं ये लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवर सुपरविजन का काम हो गया है ना जितने भी और ट्रिब्यूनल्स हैं उनको आप ये सुपरवाइज कर रहा है नेशनल लेवल पे बना हुआ है इसलिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इसने एस्टेब्लिश कर दिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इसने प्लेस कर दिए ये जो है एक तरह से इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट बॉडी की तरह काम कर सकता है है ना टू डेवलप एंड ऑपरेशनलाइज द प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल मेंबर्स अब ट्रिब्यूनल मेंबर में जो अपॉइंटमेंट हो रहा है चेयरमैन है मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट ये कर सकता है अब इस पर भी एक कॉन्ट्रोवर्सी है जनरली सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के हिसाब से पाँच साल का इनका वो होना चाहिए टेन्योर अभी गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस लाया इसमें चार साल का इन्होंने कर दिया है तो ये भी चल रहा है नेशनल ये जो ट्रिब्यूनल एनटीसी जो है दैट इज द अथॉरिटी टू सेट मेम्बर सैलरीज है ना ये मेंबर की सैलरी सर्विस कंडीशन सब ये सेलेक्ट कर सकता है तो कहने का मतलब है आप इसको इतना स्ट्रांग बना रहे हो नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन को कि ये पूरा जो ट्रिब्यूनल सिस्टम है उसको अपने लेवल पे डील कर सकता है क्यों इतना स्ट्रांग बनाया जा रहा है क्योंकि तो इंडिया में क्या होता है जनरली एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस होता है एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इंटरफेयर करती है इनके फंक्शनिंग के अंदर जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंस नहीं रहती है और ओवरऑल फंक्शनिंग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो ये कह रहे हैं कि एन अगर बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा ये सारे काम ये देख सकता है ठीक है ये सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएगा ट्रिब्यूनल मेंबर्स को एक्सेट्रा और प्रॉब्लम ये है सिंस देयर इज अ अज एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ द ट्रिब्यूनल्स आप क्या करोगे आपको ज़रूरत है कि आप यहाँ पे एक या तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आओ या कोई प्रॉपर लॉ लेके आओ है ना लेजिस्लेशन लेके आओ और फिर आप एन बनाओ अगर एन को कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल बैकिंग नहीं दी जाती है तो फिर दैट विल बी वल्नरेबल फॉर दिस एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस क्यों क्योंकि इंडिपेंडेंस एंश्योर नहीं होगा ना जैसे अभी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन है या आपका कैग है कैग का ऑफिस है कंप्रोटर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया फाइन तो कैग में इलेक्शन कमीशन में ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं तो यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड पावर है क्योंकि इंडिपेंडेंस आपने इन्श्योर किया हुआ है एक बार आपने अपॉइंट कर दिया उसकी सर्विस कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते अगर आपको डिसीजन उनके पसंद नहीं आ रहे तो ऐसा हटा नहीं सकते तो उस कॉन्टेक्स में एन को कहा जा रहा है कि इसको इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए और ये पूरा ओवरहोल कर सकता है आपके जो भी यू हैव दैट एडमिनिस्ट्रेट ट्रिब्यूनल सिस्टम को फाइन चलिए तो आई होप ये आपको समझ आया होगा देखिए ट्रिब्यूनल्स क्या करते हैं ट्रिब्यूनल जो सिस्टम आपका है ओके दैट इज़ प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन ओके जो भी डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज पे जो भी विवाद हैं ओके okay, उन पे स्पीडी जस्टिस डिलीवरी की तरह से आप मान सकते हो तो इसलिए आपके ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं इसमें दो वराइटीज़ हैं एक है आपके जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं या जो भी uh, सर्वेंट्स हैं उनकी सर्विस कंडीशन से रिलेटेड है तो वो कोर्ट में जाएंगे पूरा टाइम लगेगा पूरा प्रॉपर प्रोसेस फॉलो होगा है ना कोर्ट में इतना तो उसके लिए उन्होंने जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बना रखा है फाइन अगर वहां से डिसीजन से अगर आप खुश नहीं हो तो फिर आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो है ना और पहले ये जो आपका डिसीजन था चंद्रा कुमारी वाला इसी ने कहा कि आपका पहले हाई कोर्ट में ही अप्रोच करना है है ना हाई कोर्ट को आप बाईपास नहीं कर सकते ट्रिब्यूनल्स क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो होता है उसके अंदर हाई कोर्ट भी आपका इंक्लूड है तो अगर कोई डिसीजन है ट्रिब्यूनल का आप खुश नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो अदरवाइज़ क्या होगा ऐसे इश्यूज पे अगर डायरेक्ट मामला कोर्ट में जाएगा तो फिर वो लंबा खिंचता है तो फटाफट से आपका जो कोई भी इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाए इसलिए आपके ट्रिब्यूनल्स बनाए गए तो इसमें दो तरह के हैं एक आपका आर्टिकल थ्री ए है दूसरा आर्टिकल थ्री बी है ट्वेंटी ए के अंदर आपके पब्लिक सर्वेंट्स उनकी सर्विस कंडीशन रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं थ्री ट्वेंटी थ्री बी के अंदर अदर इशूज हैं कुछ भी हो सकता है टैक्स है लेबर है लैंड रिफॉर्म है इंडस्ट्रियल इशूज है एटसेट्रा नेक्स्ट हम आएंगे इंटरनेशनल रिलेशन पे जो ये न्यूज है हमने ऑलरेडी कवर किया है एंड uh, जो इसराइल फिलिस्तीन चल रहा है इशू या यू कैन से क्वासी जुडिशियल देखिए इसराइल फिलिस्तीन जो इशू चल रहा है इसराइल फलस्तीन का ऑलरेडी uh, हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है अब उसके बारे में क्या रोज़ न्यूज़ आ रही है क्योंकि दोनों के बीच में कोई उस, उस पर एक तरह से आप कह सकते हो वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है तो हमें डे टू डे कमेंट्री नहीं करनी है फाइन हमारा जो पर्पज़ है हमने डिटेल में डिस्कस किया है बहुत ही अच्छे से कैन यू टेल मी द डेट ऑफ दैट सेशन डेट बता दीजिए जब हमने तीन चार दिन पहले डिस्कस किया है ठीक है कि इसराइल और फलस्तीन के बीच में इशू क्या है अभी जो रिसेंट में इंसिडेंट हुआ है वो तो आपका जो अलग सा मॉस्क है टेम्पल माउंट करके एक परिसर है वहाँ पे अलक्स का मॉस्क है वहाँ पे काफ़ी सारे जो पेलस्तिनियंस हैं वो अपनी प्रेयर्स के लिए इकट्ठा होते हैं फिर इजरायली फोर्सेस उन पर क्रैकडाउन करती है इसराइल ये कहता है कि वो लोग जो थे इस तरह से उकसा रहे थे प्रोवोक कर रहे थे उन्होंने पत्थर वगैरह इकट्ठे किए हुए थे तो उसको हमने डिस्पर्स करने के लिए वो एंटर कर जाते हैं मॉस्क के आ, आपके परिसर में और फिर आ, ये एस्केलेट होता जाता है ना एस्केलेट होता जाता है ये पूरा इशू तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट है पूरा इनका जो विवाद है काफ़ी पहले से चल रहा है इसराइल जब बना था नाइनटीन फोर्टी सेवन फोर्टी एट तो तब से ये इशू चल रहा है क्योंकि इसराइल को जब बनाया गया तो फैलस्तीन वो पूरा एरिया फलस्तिनियंस का ही था और फिर फलस्तीनियंस ये कह रहे हैं कि हमारा एरिया जो है आपने कैप्चर किया है एट्सेट्रा फिर आगे आगे ये बढ़ता गया एक बार डेट बता दीजिए तो नए बच्चे हैं वो या तो आ, जो नए बच्चे हैं जो मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं तो जो नए बच्चे हैं वो एक बार ग्यारह मई का सेशन है ना इसी का करंट अफेयर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले दी हुई है ये जो सेशन होता है इसके सारे एक तारीख से लेके पूरे सेशन है तो इसमें 11 मई का सेशन आप देख लेना या 11 मई डेली करंट अफेयर राहुल भारद्वाज ऐसा करके देख लेना वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है तो वो बैकग्राउंड हमें चाहिए डे टू डे आज उस पर बम फेंक दिया आज उस पर बम फेंक दिया दैट इज़ फाइन वो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं है इंडिया का क्या रेस्पॉन्स है अब ये हम डिस्कस कर रहे हैं इस न्यूज़ में ओके इसराइल और फेलस्तीन के बीच में इशू ये चल रहा है फेलस्तीन कह रहा है आपने हमारे एरियाज़ के ऊपर सेटलमेंट्स बना रखे हैं कब्जा कर रखा है उनको खाली करो जेरूशलम पे दोनों क्लेम कर रहे हैं इसराइल चाहते हैं हमारी कैपिटल हो फेलस्तिनियंस चाहते हैं हमारी कैपिटल तो इंडिया का यहाँ पर क्या रोल है इंडिया का मैंने पहले भी बताया था इंडिया कहता है कि ये आप अपने लेवल पर डिस्कस कीजिए और इंडिया ने डीएसकेट किया हुआ है डीएसकेशन मतलब डी एस्केशन की इंडिया बात कर रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या कहती है कि डी हाइफिनिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप मतलब आप इसराइल से अच्छा कर रहे हैं तो आपका ऐसा नहीं है फिलिस्तीन फिलिस्तीन से रिलेशन ख़राब होगा या फिलिस्तीन को आप सपोर्ट कर रहे हैं तो इसराइल से रिलेशन ख़राब होगा ऐसा इंडिया के कॉन्टेक्ट में नहीं है पहले ऐसा होता था तो इंडिया ने डीहाइफनिंग कर दिया है इसको इसलिए इंडिया के लिए थोड़ा इजी हो गया इंडिया का रेस्पॉन्स क्या है सिंस इंडिया इज़ ए नॉन परमानेंट मेंबर इन यूएनएससी इंडिया कह रहा है कि आप फटाफट से दोनों पार्टी डी एस इसको करो है ना अब क्योंकि आगे फर्दर बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा तो यहाँ पे आप बातचीत करके क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट कोई मीडिएटर नहीं है दोनों के बीच में डायरेक्ट कोई मीडिएटर है नहीं आ, मतलब डायरेक्ट ये बात नहीं कर रहे हैं जैसे इंडिया चाइना में कुछ हुआ तो इंडिया चाइना आपस में डायरेक्ट इंगेज थे कम्युनिकेशन में तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं है अब मीडिएटर्स की बात की जा रही है तो कतर है इजिप्ट है ये आगे आए हैं और इसके अलावा आपका ये जो क्वाड्रेट है क्वाडरेट में यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड स्टेट यूरोपियन यूनियन और रशिया ये चार आपकी एंटिटीज़ हैं ये चारों मिलके इस इशू को डेफिनेटली uh, डिस्कस कर रहे हैं इंडिया कह रहा है हम फिलिस्तीनियन कॉज को सपोर्ट करते हैं कि फिलिस्तीनियन को uh, जो है अपना एक अलग से नेशन uh, मिलना चाहिए ठीक है उनका राइट है उस लैंड के ऊपर और हम उसको सपोर्ट करते हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया ये भी कह रहा है कि जो इनडिस्क्रिमिनेट रॉकेट फायरिंग हो रही है ओके okay, गाजा से जो इनडिस्क्रिमिनेट रॉकेट फायर किए जा रहे हैं फिलिस्तीनियन टेरिटरी से इसराइल की सिविल पॉपुलेशन पे बहुत सारे रॉकेट दागे जा रहे हैं तो उसको हम क्रिटिसाइज़ करते हैं ये नहीं होना चाहिए एंड uh, इसी तरह से इसराइल की तरफ से जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक हो रही है तो उसकी वजह से सिविलियन पॉपुलेशन का नुकसान है एंड दिस शुड बी डीएसकेलेटेड एट द अर्लीस्ट तो ये इंडिया का यहाँ पे अभी रिसेंट जो है इंडिया का स्टेटमेंट है इसलिए हमने इसको लिया है क्लियर इंडिया यही कह रहा है कि आप दोनों इसको बातचीत के थ्रू हल करो आपका अपना मामला है इंटरनल मैटर है और इंडिया किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा है इसका उसका लेकिन इंडिया ने जो फिलिस्तीनियन कॉज है उसको सपोर्ट किया हुआ है तो ये इंडिया का इंडिपेंडेंस के टाइम से वो है है ना सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हमेशा से इसको सपोर्ट करता रहा है फिलिस्तीनियन कॉज को कि फिलिस्तीनियंस को भी अपना राइट है उनके जो एरियाज़ हैं वहाँ पर उसको इंक्लूड करते हुए उनको अपना अलग नेशन देना चाहिए तो जो टू स्टेट आपका सोल्यूशन है ना इसराइल हो गया एक एक फ़लस्तीन हो गया तो उसको यहाँ पे डेफिनेटली ये सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन टू स्टेट सॉल्यूशन बनने में दिक्कत काफ़ी सारी हैं और ये आप 11 मई का सेशन डिस्कस करके देख सकते हो स्टक कर रहा है ऑयल प्राइस पे अभी तो नहीं पड़ेगा इससे फर्क ऑयल प्राइस पे फर्क तब पड़ेगा जब ये एस्केलेट हो जाता है ना जब दूसरे जो कंट्रीज हैं इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं मान लीजिए ईरान इन्वॉल्व हो जाता है सऊदी अरेबिया हो जाता है Uh, तब uh, अगर ये थोड़ा एस्केलेट हो जाता है देन द सिचुएशन कुड बी वर्स प्लीज़ गो थ्रू इलेवेंथ ऑफ मे क्योंकि अभी ही हमने पाँच दिन पहले इस पूरे इशू को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं तो ये जो सेशन है उसे आप एक बार देख लीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि सर ने पूरा डिस्कस नहीं किया वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन डिटेल वेरी मच इंडियन इकनॉमी पे आते हैं यह आपका आर्टिकल दिया हुआ है और यहाँ पे आईपीआर की बात हो रही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो रही है आपके वैक्सीन की बात हो रही है द सेम थिंग विल बी देयर लेकिन बहुत सारे आर्टिकल आईपीआर पे आपके हैं तो एक बार वापस से ले लेते हैं आपको पता है कोरोना वायरस जितनी तेजी से फैल रहा है सेकेंड वेव के अंदर है ना और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में आपकी जो है थर्ड वेव भी रह सकती है तो उस कॉन्टेक्स में इंडिया के पास जो सोल्यूशन है सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन इज द सोल्यूशन वैक्सीनेशन सोल्यूशन तो है लेकिन हमारे पास तो वैक्सीन की ही कमी है सप्लाई चेन कॉन्स्टेंट है जितने वैक्सीन चाहिए मिल नहीं रहे हैं आपके कर्नाटक महाराष्ट्र ने तो बंद कर दिया है 18 टू 44 इयर्स के लोग जो हैं जिनको वैक्सीनेट करना है तो वैक्सीनेशन सॉल्यूशन है लेकिन हमारे पास वैक्सीन नहीं है क्या करें क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं सप्लाई चेन कॉन्सटेंट है ये इसका आंसर इंडिया की लगभग टेन पॉपुलेशन का ही वैक्सीनेशन हुआ है ऑलमोस्ट ये तो ज्यादा हो गया होगा परसेंटेज टेन से और इसमें भी वो है जो मेजोरिटी आपका सिंगल डोज ही है तो उस कॉन्टेक्स्ट में सॉल्यूशन हमारे लिए ये कह रहा है कि सब ऑप्शंस आप यूज करो और सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है पेटेंट एक्ट है ये डिटेल में हमने डिस्कस किया है पेटेंट एक्ट बहुत अच्छे आर्टिकल हमने डिस्कस किए थे दो एडिटोरियल दो जिसमें पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है दो नहीं एक्चुअली तीन किए थे इंडिया के अंदर एक लॉ बना हुआ है जिसे हम कहते हैं इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 सेवेंटी ये क्या करता है इसका एक सेक्शन है सेक्शन 100 और एक सेक्शन है 92 तो जो सेक्शन 92 है ये इंडिया को क्या करता है इंडियन गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि आप कंपलसरी लाइसेंस दे सकते हो कंपलसरी लाइसेंस दे सकते हो मतलब इंडियन गवर्नमेंट मान लीजिए फाइजर का वैक्सीन है अब इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि फ़ाइजर का वैक्सीन कोई इंडिया की कंपनी बनाए लेकिन पेटेंट है कोई बना नहीं सकता इस तरह से लेकिन कंपलसरी लाइसेंस के अंडर में इंडियन गवर्नमेंट बिना परमिशन है ना फाइजर की बिना परमिशन के इंडिया की किसी भी कंपनी को या कंपनियों को कहेगी कि आप बनाना स्टार्ट करो इसको हम देखते हैं ठीक है उसका जो भी पेमेंट होगा फाइजर का रॉयल्टी वगैरह वो उसको दिया जाएगा लेकिन उसकी बिना परमिशन के अलाउ किया जा सकता है कंपलसरी लाइसेंसिंग अब ये जो प्रोविजन है ये जो ट्रिप्स आपका है है ना ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो वर्ल्ड लेवल पे इस तरह की ये ट्रिटी है जो प्रोटेक्शन दे रहा है है ना उसके अंदर एक्सेप्शन है ये अलाउ किया हुआ है ये एक्सेप्शन जो है अलाउ किया हुआ है कि अगर आपका एक्सट्रीम इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग दे सकते हो तो अभी क्या है एक्सट्रीम इमरजेंसी सिचुएशन ही तो है क्योंकि अगर देखिए कोरोना वायरस में ये है कि जितना ये फैलेगा उतने ज़्यादा म्यूटेशन होंगे उतने ज़्यादा म्यूटेंट नए स्ट्रेन सामने आएंगे जैसे यूके का स्ट्रेन हुआ इंडिया का डबल म्यूटेंट हुआ ब्राज़ील वाला है तो जितना ये फैल रहा है ना उतने ज़्यादा ये नए स्ट्रेन सामने आएंगे और जैसे जैसे नए स्ट्रेन सामने आएंगे उनका वैक्सीन वैक्सीन का जो इम्पैक्ट है वो कम होता जाएगा कम होता जाएगा अभी अफ्रीका के जो देश हैं वो ये कह रहे हैं जैसे अभी रिसेंटली केन्या ने कहा केन्या कह रहा है कि इंडिया ने हमें वैक्सीन भेजना बंद कर दिया है उसकी वजह से यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से नए सुपर इस सुपर वेरिएंट बनेंगे सुपर वेरिएंट बनेंगे और उनके लिए ये वैक्सीन इतने इफेक्टिव नहीं होंगे इसलिए हमें वैक्सीन भेजे जाएँ अब इंडिया कहाँ से भेजेगा इंडिया के पास खुद के पास कम है हम जो कर सकते थे हमने किया बेस्ट ऑफ द बेस्ट अब आप इतने डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास भी तो जाइए मदद मांगने ठीक है तो चाइना वो कैन्या इंडिया के लिए कह रहा है इंडिया की सिचुएशन आपको पता है टेन परसेंट पॉपुलेशन को ही हम कर पाए एंड इंडिया इज स्ट्रगलिंग एंड वी आर इन द मिडिल ऑफ दिस सेकेंड वेव तो इंडिया को डेफिनेटली ऑल ऑप्शन करने चाहिए और ऑप्शन हमारे पास पेटेंट एक्ट में सोल्यूशन है है ना सेक्शन 92 इसी तरह से सेक्शन 100 है ये भी आपको अलाउ कर रहा है सेंटर जो है लाइसेंस कर सकता है स्पेसिफिक कंपनी को टू मैन्युफैक्चर द वैक्सीन क्लियर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आपका सुप्रीम कोर्ट में रिप्लाई किया सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है कि ये जो पावर्स है इनको एक्सरसाइज करने काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है अब क्या रीजन दिया है वो वही बता सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है इस स्टेज पे प्रेजेंट स्टेज पे अगर हम इन पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं पेटेंट एक्ट वाली कि वैक्सीन बनाने के लिए दे दिया ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है क्यों हो सकता है रीजन यहां पे नहीं है लेकिन जो अभी तक हमें पता है उसमें ये है कि अगर आपने किसी एक्स वाई जेड कंपनी को दे दिया मान लीजिए फाइजर का वैक्सीन है आपने कहा ये ए बी सी कंपनियां बनाएंगी बिना फाइजर की परमिशन के आपने दिया है तो ये एबीसी बी सी कंपनियां बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगी और बड़ा मुश्किल होगा इनको बनाने में हो सकता है एक साल से भी ज्यादा का टाइम लग जाए अगर फाइजर के उसके थ्रू आपने किया होता कि हाँ तो वो टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज सारी चीजें वहां पे देता उसे लेकिन वो कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा वहाँ पे ओके चांसेस आर है ना तो इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा एक ये चीज़ है फिर रॉ मटेरियल को एक्सेस करना प्रोडक्शन कैपेसिटी ये सब चीज़ें हो सकता है ये रीज़न दिया हो होवेवर द आर्टिकल सेज कि अभी आपके पास में आ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको अपना ये चेंज करना चाहिए और इसको अलाउ करना चाहिए कि आप बनाना स्टार्ट कीजिए है ना तो इसी तरह से इंडिया का जो कोवैक्सिन है कोवैक्सिन तो हमारा खुद ही का है ना भारत बायोटेक का अब भारत बायोटेक जो कंपनी है उसको सपोर्ट किया हुआ है पब्लिकली फंड किया है विराग करके डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है भारत सरकार का उसमें विराग करके एक आपने इंस्टीट्यूशन बना रखा है जो फंड करता है इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को नई कंपनीज़ तो उसने फंडिंग किया हुआ है और इंडिया का आपका कोविड सुरक्षा प्रोग्राम भी है जिसने फंड किया हुआ है तो यहाँ पे आपका पब्लिकली फंडेड है कोवैक्सिन प्रोग्राम है तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आई भी इन्वॉल्व है आई दूसरी कंपनीज़ को बनाने के लिए दे सकता है तो आई ने ऑलरेडी दिया हुआ है काफ़ी सारी कंपनीज हैं ओके दिस इज जैसे ये हो गया आपका हैफ्किन हो गई ओके इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड हो गया तो काफ़ी सारी कंपनीज़ को ये कोवैक्सिन वाला ऑलरेडी दे रखा है तो वहाँ से क्या होगा अब आपने डिफरेंट कंट्रीज़ को दे रख डिफरेंट कंपनीज़ को दे रखा है तो पहले भारत बायोटेक ही बना रहा है अब ये ए एक्स वाई जेड कंपनीज़ भी बनाएंगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी क्लियर तो यहाँ पे ये यही कह रहा है कि और दूसरे वैक्सीन में भी आप अप्लाई कर दो ऐसी ही चीज़ लेकिन वहाँ पे डिफ़िकल्टी ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा कन्विंस करना भी ज़रूरी है इंडिया अगर इस ऑप्शन को लेता है पेटेंट एक्ट वाले को इतना इफेक्टिव नहीं होगा शॉर्ट टर्म में नहीं होगा लॉन्ग टर्म में वी कैन नॉट से तो दिस इज द थिंग तो ये एक अच्छा है कि आपने अलाउ तो किया है भारत बायोटेक वाला जो कोवैक्सीन है ये उसी तरह से है मार्केट में आपने देखा होगा ना पैरासिटामोल भी शॉर्ट हुआ है पैरासिटामोल देने जाते हो आराम से मिलता है जितना लेना है उतना ले लो कभी भी शॉर्ट नहीं हुआ क्योंकि पैरासिटामोल जो है कम से कम आपका 300-400 कंपनियां सौ पैरासिटामोल बना रही हैं और यहाँ पे शॉर्ट क्यों हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी बना रही है अब इसको जैसे इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इन्होंने कहा कि हम प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे लेकिन उसमें टाइम लगता है ना वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और फिर आगे इंडिया थर्ड वेव को देख रहा है आगे थर्ड वेव भी हो सकती है उस कॉन्टेक्स में अगर आप और कंपनीज़ ऐड करते हैं तो दैट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल ना इन लॉन्ग टर्म ये कहा जा रहा है तो कोवैक्सिन के केस में हमने किया है स्पूतनिक इंडिया में आ रहा है और स्पूतनिक को भी काफ़ी सारी इंडियन कंपनीज बनाएंगी तो ये सारे ऑप्शन हम कर सकते हैं और वैक्सीनेशन को रैपिड कर सकते हैं अदरवाइज़ क्या होगा लेट वैक्सीनेशन होगा ये वायरस घूम घूम के म्यूटेशन कर करके कोई नया वेरिएंट लेके आएगा है ना नया चैलेंज लाएगा जिसपे वैक्सीनेशंस इतने इफेक्टिव ना हो साइंस एंड टेक पे आते हैं दिस इज अबाउट ये जो है एलिफेंट्स आपके किल हुए हैं और रीज़न दिया जा रहा है 18 एलिफेंट आसाम के अंदर अट्ठारह एलिफेंट मरे हुए मिलते हैं ओके और रीज़न दिया जाता है कि लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है ना बिजली गिरने से इनकी डेथ हो गई है क्या ये पॉसिबल है ये आपका बफर क्यों कर रहा है इज इट बफरिंग अ लॉट चलिए इसे हम देखते हैं क्या ये पॉसिबल है तो रीज़न तो ये दिया जा रहा है कि यस ये पॉसिबल है और ऐसे कोई ऐसा पहली बार इंस्टेंस नहीं हुआ है एक बार आपने देखा होगा बक्सा टाइगर रिजर्व है वहाँ पे भी सेवन एलिफेंट्स जो है उनकी डेथ हो गई थी एलिफेंट क्या होता है उसका साइज़ बड़ा होता है यूज़ होता है कई बार आपके ट्री अगर ज़्यादा बड़ा नहीं है टॉल नहीं है तो ट्री से भी ऊपर निकल जाता है तो क्या केस होता है इसको देखते हैं लाइटनिंग होता क्यों है पहले ये देखेंगे फिर हम इस पर आएंगे वापस इस केस पर आएंगे पहले बिजली गिर क्यों रही है इसको देखते हैं देखिए लाइटनिंग जो है एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है कॉज बाय द इम्बेलेंसेज बिटवीन द स्टॉर्म क्लाउड एंड द ग्राउंड ये जो क्लाउड आपको दिख रहा है थंडर स्टॉम है तो स्ट्रॉम जो क्लाउड है और जो ग्राउंड है ये ग्राउंड है आपका है ना इन दोनों के बीच में आपका इम्बेलेंस हो रहा है उसकी वजह से कॉज बाय द इम्बेलेंसेज बिटवीन द स्टॉम क्लाउड्स एंड द ग्राउंड एंड विद इन द क्लाउड अब आपका जो सबसे ज्यादा लाइटनिंग होता है वो विद इन द क्लाउड होता है इस फैक्ट को याद रखेंगे प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मोस्ट लाइटनिंग अकर्स विद इन द क्लाउड्स क्लियर अब क्या होता है जब आपका बिजली कब चमकती है या गिरती है जब कोई थंडर स्टॉम आता है है ना तूफान टाइप रहता है इस तरह से तो उस केस में क्या होता है स्टार्म के टाइम पे क्या होता है जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स होते हैं आपकी बारिश हो रही है आइस पार्टिकल भी हैं या फिर स्नो है इनसाइड द क्लाउड्स क्लाउड्स के अंदर जो स्नो रहता है तो ये सब क्या करते हैं स्टार्म के टाइम पे कोलाइड करना स्टार्ट करते हैं कोलिजन इनमें स्टार्ट होता है जिसकी वजह से इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाता है बिटवीन द स्टॉर्म क्लाउड्स ये आपके क्लाउड्स हैं ये स्टॉर्म के क्लाउड्स हैं और ये आपकी सरफेस है दोनों के बीच में क्या हो गया है इम्बैलेंस ये कॉज हो रहा है और जनरली क्या होता है क्लाउड का ये जो नीचे वाला एरिया होता है ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है निगेटिवली चार्ज होता है फाइन लोअर रीचेज ऑफ द स्टॉम क्लाउड इस इम्बेलेंस की वजह से निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं और जो भी ऑब्जेक्ट्स है ओके okay, यहां पे स्पेशली अगर ट्री है या कोई टॉल बिल्डिंग बना हुआ है आप देखते होंगे ना बिल्डिंग और ये ज्यादा सेंसिटिव होती हैं इसलिए वो आपके लाइटनिंग कंडक्टर्स ये लगाए जाते हैं जो बिजली गिरने से बचाते हैं सो so, इसमें क्या होता है ये निगेटिवली चार्ज हो गया और जो आपकी ये सरफेस है ये पॉजिटिवली चार्ज होती है ओके okay? ग्राउंड जो होता है आपका क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन द ग्राउंड दे बिकम पॉजिटिवली चार्ज अब क्या हो गया नेगेटिव पॉजिटिव आपके ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या होगा लाइट पास हो जाएगा करंट पास हो जाएगा है ना क्योंकि ये जो इम्बेलेंसेज है अर्थ क्या करेगा अर्थ यहाँ पे कोशिश करेगा नेचर यहाँ कोशिश करेगा कि ये जो इम्बेलेंस क्रिएट हो रहा है इसको कैसे ना कैसे रिलीज किया जाए और ये आपका क्या होता है इसकी वजह से ये करंट जो है पास होता है बिटवीन द टू चार्जेस दोनों चार्जेस के बीच में करंट पास होना स्टार्ट होता है और ये करंट पास जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं लाइटनिंग कहते हैं ये जो लाइटनिंग हो रहा है किस वजह से हो रहा है ये जो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में करंट पास होगा इस तरह से आपकी ये लाइटनिंग होगी तो लाइटनिंग क्यों होती है आपने देख लिया अब हम इस न्यूज़ पे आते हैं वापस फिर हम लाइटनिंग को डिस्कस करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स में अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है ये जोग्राफी का एक्सप्लेनेशन है है ना कि लाइटनिंग क्यों हो रही है क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यूपीएससी ने क्वेश्चन प्री में पूछे हुए हैं इसमें एक और होता है बच्चे पूछते हैं सर थंडर की आवाज़ क्यों आती है ज़ोर से आवाज़ आती है ना बचपन में डर लगता था अरे यार पता नहीं बिजली गिरी है कहीं पे तो जो थंडर का साउंड आता है गड़गड़ाहट का जो साउंड आता है दिस थंडर, थंडर साउंड उसका रीज़न क्या है उसका रीज़न ये है देखिए आपका जो लाइटनिंग ये पास हो रहा है है ना उसकी वजह से ये जो एयर है पास वाली जो एयर है ना ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट हो जाती है क्योंकि लाइटनिंग जो है बहुत हॉट होती है और ये जो फ्लैश होता है कैन हीट द एयर अराउंड इट टू टेम्परेचर फाइव टाइम्स हॉटर देन द सन सरफेस मतलब ये आसपास की एयर को इतना ज़्यादा हॉट कर देता है जो सन का टेम्परेचर है ना सरफेस का उससे भी पाँच गुना ज़्यादा वो टेम्परेचर आसपास वाली एयर में क्रिएट करता है तो इसकी वजह से क्या होता है हीट कॉजे सराउंडिंग एयर टू रैपिडली एक्सपेंड हीट की वजह से क्या होता है एयर एक्सपेंशन होता है होता है ना जैसे आपका भाप बिल्कुल ऊपर जा रहा है गर्म हवा एक्सपेंड करती है ठंडी हवा डेंस होती है डेंसिटी ज़्यादा होती है तो इसमें क्या होगा हीट क्या करेगी जो एक्स आपका सराउंडिंग एयर है वो रैपिडली एक्सपांड होगा वाइब्रेशन क्रिएट होगा फटाफट से उस एयर के अंदर और वो जो एयर में एक्सपेंशन हो रहा है उसकी वजह से आपको साउंड सुनाई दे रहा है थंडर का वो जो गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है ना थंडरिंग थंडरिंग साउंड वो क्रिएट करता है और आपने ये भी देखा होगा कि आपको लाइट अगर बिजली चमक रहा है लाइटनिंग हो रही है और वो जो थंडर का साउंड आ रहा है पहले आपको क्या होता है थंडर साउंड पहले सुनते हो या लाइटनिंग पहले दिखता है क्या पहले दिखता है अगर आपने देखा होगा सभी ने देखा होगा यार ठीक है ना इसमें कोई नई बात तो है नहीं तो एक आपसे बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन मैंने पूछा है कि आप जब बिजली चमक रही है लाइटनिंग हो रही है सो आपको ये बिजली चमकती हुई पहले दिखती है या पहले साउंड सुनाई देता है आप देखोगे बिजली चमक गई उसके दो तीन सेकेंड बाद में थंडर साउंड सुनाई देता है अगर दूर दूर है है ना आपने देखा वहाँ पर बिजली चमक रही है अरे यार फिर उसके बाद में थंडर का साउंड आता है क्यों क्योंकि जो स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ साउंड साउंड की स्पीड से लाइट की स्पीड बहुत तेज है इसलिए लाइट तो आपका इंस्टेंटली आपको दिख जाता है साउंड थोड़ी देर बाद में पहुंचता है तो ये सब डिस्कशन है ये जोग्राफी का डिस्कशन है अब हम इस पर न्यूज पे आते हैं एलिफेंट वाली न्यूज पे ओके okay, कैसे क्या केस हो सकते हैं ये कह रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल भी है कि एक सिंगल लाइटनिंग फ्लैश जो है 18 एलिफेंट्स को किल कर सकता है तो ये आंसर साइंटिस्ट यहाँ पे कह रहे हैं यस yes, ये पॉसिबल है क्या क्या केस बन सकते हैं इसका ये दे रहे हैं एक तो डायरेक्ट फ्लैश हो गया कि बिजली आ रही है बिजली आके डायरेक्ट एनिमल पे इसी पे गिर गया डायरेक्ट तो वो गया काम से है ना इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाएगा उसका हैंड टू हैंड वहीं पर डेथ हो जाएगी और क्या हो सकता है एक है साइड फ्लैश साइड फ्लैश में क्या होगा ये वाला जो आपको दिख रहा है पिक्चर इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं ये है साइड फ्लैश है ना किसी ट्री पे आ रही है और ट्री से फिर यहां पे किसी एनिमल पे जा रही है ठीक <coughs> है ट्री से किसी एनिमल पे जा रही है तो उसे हम कहते हैं साइड फ्लैश दैट कैन स्ट्राइक द एनिमल स्टैंडिंग अंडरनीथ द ट्री तीसरा केस क्या हो सकता है टच पोटेंशियल टच पोटेंशियल में क्या हो रहा है आ, ये जो है आपका टच पोटेंशियल है ठीक है ना मतलब एलिफेंट मान लीजिए एलिफेंट की बॉडी इसके टच में है यहां पे तो टच में नहीं है लेकिन ये साइड में इस तरह से आ रहा है अगर टच में रहेगी तो भी ये आपका यहां से आपकी पास हो जाएगी है ना इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी और इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है स्टेप पोटेंशियल स्टेप पोटेंशियल में क्या होता है ये मोस्ट कॉमन लाइटनिंग हजार्ड है और इसमें क्या होता है जब एनिमल जो है इस तरह से खड़ा है थोड़ी दूरी पे खड़ा है लाइटनिंग ने किसी ट्री को स्ट्राइक किया है वहां से वो जो है ग्राउंड पे पास होती है और यहां पे आती है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे है लेकिन फिर यहाँ पे आते आते इसका पोटेंशियल जो है कम हो जाता है ओके okay, पोटेंशियल जब इनका कम हो जाता है तो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ आ रहा है और इलेक्ट्रोक्यूट कर देता है एनिमल जो है मर जाता है अब यहाँ पर बात हो रहा है कि एक ही लाइटनिंग स्ट्राइक से एटीन एलिफेंट कैसे डेड हो जाएंगे उसमें रीज़न ये है कि एक जो आपका स्ट्राइक है लाइटनिंग स्ट्राइक इसके अंदर काफ़ी सारे ये हैं ओके okay, आप देख रहे हो ना एक ही के अंदर काफ़ी है तो हो सकता है इसकी वजह से क्योंकि आसपास जो एरिया उन्होंने स्टडी किया उन्होंने देखा कि आपके पेड़ जले हुए हैं है ना वहाँ पर थंडर स्टॉम भी आया था पेड़ भी जले हुए हैं तो रीज़न यही दिया गया कि हाँ ये पॉसिबल है लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से अब लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से जो है ऐसा नहीं है एनिमल्स ही इम्पैक्ट हो रहे हैं सबसे ज़्यादा ह्यूमन बींग्स इम्पैक्ट होते हैं और आपने देखा होगा पिछले कुछ एक दो सालों में ये बढ़ा है आ, लास्ट ईयर भी न्यूज़ में था जब आपके बिहार के अंदर बहुत सारी डेथ हुई थी लाइटनिंग से है ना तो लाइटनिंग की वजह से आपका ये लाइटनिंग एक हजार हो गया अगर इंसानों पे बिजली गिर रही है तो उनकी भी डेथ हो रही है और जनरली हम ये देखते हैं कि एक इसका फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे थंडर स्टाम ज़्यादा होते हैं ये होता है प्री मानसून पीरियड मानसून मतलब बरसात का जो मौसम आ रहा है तो मानसून से पहले आप देखोगे प्री मानसून शावर्स होते हैं है ना मानसून से जस्ट पहले थंडर स्टार्म और इस तरह से हल्की फुल्की बारिश होती है उनको अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम दे दिया जैसे काल वैशाखी नॉर्थ वेस्टर है ना ईस्टर्न इंडिया में ये कहा जाता है तो ये क्या होते हैं काफ़ी वायलेंट थंडर स्टाम होते हैं और इसके अंदर लाइटनिंग होती है और ये लाइटनिंग कहाँ पे हो रही है ईस्टर्न इंडिया में और इसकी वजह से लोगों की जान जा रही है आप देखोगे प्री मानसून जो लाइटनिंग है जनरली बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ यूपी यहाँ पे काफ़ी डेथ होती है और कैसे हम इसको रोक सकते हैं तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट में आ जाएगा कैसे आप लाइटनिंग से होने वाली डेथ को रोक सकते हो तो इसमें एक तो रीज़न ये है कि यार अगर किसान जो है फील्ड में है ओके तो अपने खेतों में है और वहाँ पे उनको पता नहीं है कि ऐसा कोई थंडर स्टॉम आ रहा है लाइटनिंग की वार्निंग नहीं है तो उनकी जान चली जाती है सबसे अच्छा तरीका है कि उनको वार्न कर दो पता होता है मौसम विभाग को आईएमडी की वार्निंग्स रहती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप वार्निंग जारी कर दो कि इस तरह से आपकी थंडर स्टॉम है आप इससे बिजली गिरने से आपका रिस्क हो सकता है तो आप अपना बचाव करें अंदर रहें इस तरह से जब तक ये थंडर स्टॉम पास नहीं हो जाता क्लियर तो सबसे अच्छा तरीका है अर्ली वार्निंग अर्ली लाइटनिंग वार्निंग टू फार्मर्स कैटल ग्रेजर्स चिल्ड्रन पीपल इन द ओपन एरिया दिस इज द की और क्या किया जा सकता है लोकल लाइटनिंग सेफ्टी एक्शन प्लान बनाए जा सकते हैं जहाँ पे आप देख रहे हो ज़्यादा कैजुलटीज़ हो रही हैं बार बार इस तरह से हो रही है तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कुछ क्रिएट कर सकता है लाइटनिंग प्रोटेक्शन डिवाइस लगाए जा सकते हैं बड़ी बिल्डिंग्स पे ओके okay, लोगों को बताया जा सकता है लाइटनिंग हो आपके थंडर स्टॉम आ रहे हैं तो आपको ऐसे ऐसे अपना बचाव करना है इसके अलावा नेशनल लाइटनिंग रिजिलियंस प्रोग्राम भी सरकार ने चला रखा है ये क्या करेगा मैपिंग कर रहा है मैपिंग ऑफ लाइटनिंग मैपिंग ऑफ लाइटनिंग मतलब इंडिया के अंदर अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडियन मैप की यहाँ पे बात कर रहे हैं ये तो मान लीजिए ये कुछ एरियाज हैं अभी हमने आइडेंटिफाई की ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो इसमें भी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर प्लान कर दोगे रिस्क प्रिसाइज रिस्क इन टर्म्स ऑफ द लाइटनिंग फ्रीक्वेंसी कि इस एरिया में कितना फ्रीक्वेंट है कितनी डेथ्स हो रही हैं किस एरिया में हो रहा है करंट इंटेंसिटी क्या है ये सब अगर आप यहाँ पे प्लान करते हो ओके okay, तो फिर आपको रेस्पॉन्स करना बेटर हो जाता है कि इन एरियाज़ में इस इस तरह से इंटेंसिटी है इतने फ्रिक्वेंट इंसिडेंट्स हैं तो वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी पता चलेगा कि लाइटनिंग रिलेटेड हजार्ड हैं आप किसी नए ज़िले में जाते हो ओके okay, डी लग के तो हर जिले की अपनी समस्याएँ होती हैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं तो वो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है अच्छा इस ज़िले में बाढ़ ज़्यादा आती है यहाँ पर सूखा ज़्यादा पड़ता है ऐसा तो इसी तरह से लाइटनिंग के केस में भी अगर होगा दैट विल हेल्प अ लॉट कंटिन्यूस मैपिंग फॉर एटलीस्ट थ्री ईयर्स ये हमें एक ट्रेंड दे सकता है उस बेसिस पे हम जो भी आपके मिटिगेशन मेजर्स हैं ले सकते हैं लोगों की लाइव्स को बचा सकते हैं लाइटनिंग रिस्क एटल्स मैप बनाया जा रहा है इसी प्रोग्राम के अंतर्गत जो हमें हेल्प करेगा रिस्क uh, मैनेजमेंट के अंदर क्लियर एक आपका दामिनी ऐप आप आती है ये तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो आईएमडी की तरफ से है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने प्रोवाइड किया हुआ है ये आपका दामिनी ऐप है ना तो ये भी आपका बताता रहता है अपडेट करता रहता है अब कभी यूज़ तो मैंने किया नहीं है डेफिनेटली अगर आप ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा होता है बिजली गिरने की ये तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो और क्या है और टेक्नोलॉजी रिलेटेड मैट, मैटर्स हैं वेदर मॉडलिंग है डॉपलर वेदर रडार है ये जो आपको दिख रहा है ये रड, रडार है डॉपलर वैदर रडार है लाइटनिंग डिटेक्टर सिस्टम आप लगा सकते हो फाइन और अर्ली uh, वार्निंग तो ठीक है लेकिन लोगों तक पहुंचाना है ना चाहे वो ऐप के थ्रू हो मैसेजेस के थ्रू हो किसी भी तरह लोगों तक ये पहुंचाना कि ये थंडर स्टॉम है आप अंदर अपना चले जाइए सेफ प्लेस पे चले जाइए तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है फाइन दिस इज़ ऑल फॉर टुडे पी डी एफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस एज वेल दिस इज़ ऑल ओके आप पी आई बी विल भी देयर है टेन थर्टी साढ़े दस बजे आपका पी आई बी एनालिसिस भी रहेगा एंड स्कॉलरशिप टेस्ट आपका हर संडे को होता है जिसका लिंक आपका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इस पर आप जा सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस फ्री टेस्ट सीरीज़ है इसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो दिस इज़ ऑल हैवे गुड डे एंड स्टे सेफ